तो भाई सुबह के बजे कुछ 7:15 और मैं निकला हॉस्टल से सीधा घर की तरफ। अभी तो जा रहा हूँ बस स्टैंड में, क्योंकि बस जो है मेरी 7:30 को है, तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर होगा। तो भाई यहाँ से तो अभी मैं 7:17 हो गया है, तो अभी तो भाई अगर चल कर जाऊँगा पैदल तो पहुँच नहीं पाऊँगा। तो फिलहाल कहीं लिफ्ट विफ्ट का इंतज़ाम करते हैं, यहाँ पर कहीं गाड़ी चल रही होगी, यहाँ पर रख कर चले जाएंगे। तो भाई फिलहाल तो मैं घर को जा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी में हूँ। अभी तो हॉस्टल के पास ही हूँ, अब ये सोच रहा हूँ कहीं एक गाड़ी मिल जाए भाई, लिफ्ट में के चले जाऊँगा उसमें। अभी तक जो है भाई कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकली है मार्केट की तरफ या बस स्टैंड की तरफ, तो भाई पैदल ही चलना पड़ेगा। 10 मिनट में बस आ जाएगी, अगर छूट जाएगी तो बहुत लेट हो जाऊँगा। खत्म घर को पहुँचने में, क्योंकि आज मैंने कुछ खाना पीना भी नहीं खाया, इतनी जल्दी में बाहर कर निकल आया हूँ। तो फिलहाल देखते हैं भाई कोई आ जाए मुझे ले जाए यहाँ से। नहीं तो आज मौसम कुछ ऐसा है कि भाई पूरी आसमान में काले बादल छाई हुई है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो मुझे पहले बस के पास पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो घर को जा इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि 11 तारीख को जो है रक्षाबंधन है, आपको तो पता होगा, तो घर को तो जाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ऑलमोस्ट मार्केट में ही पहुँचने वाला हूँ, तो 100 मीटर या 200 मीटर की फासला होगा। अभी टाइम हुआ है समा 7:30 भाई। अभी दिक्कत ये है कि मुझे पता नहीं है मेरी रूट में बस चल रही है कि नहीं, क्योंकि एक ही बस जाता है मेरी गांव को, तो शहर को, जो कि बारिश की वजह से शायद बंद है, क्योंकि एक टनल पड़ता है रास्ते में, वो तो पूरा पानी से ही डूब गया है, इसलिए शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरा रूट चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई भूख बहुत तेज से जोर से लगी है, तो क्या यहीं पर खाना खा नहीं सकते, उसे तक घर को जाकर साथ खाना पड़ेगा। तो अभी भाई जस्ट मार्केट ही पहुँचने, कोई भी लिफ्ट नहीं मिला, तो पैदल ही मैं आ गया। तो देखते हैं भाई वो बस चलती है ना नहीं, चलती है तो ठीक है, 9 बजे या 9:30 बजे पहुँच जाऊँगा, अगर फिर नहीं चलती है तो लेट हो जाएगी, 2 बस चेंज करके घर को जाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी। तो यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है, तो बहुत दिक्कत हो रही है चलने में, क्योंकि बैग जो है बहुत ही ज्यादा भारी है भाई, समझ रहे हो। फिलहाल जो है मार्केट में पहुंच गया और यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और दुकान भी बहुत खुली है, क्योंकि नहीं खा सकता, क्योंकि बस की जो टाइम है वो बहुत अभी आने वाली है बस, तो भाई पता नहीं कब आ जाएगी, तो सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं कुछ टाइम, और नहीं आएगा तो भाई दूसरा बस चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी जाकर भी बस मिलेगी बाईपास पर। A few moments later. टाइम वेट करने के बाद बस जो है मेरा आ गया है भाई, बहुत खुश हूँ यार, बस अब आ रहा। मस्त जोक मारा रे यार। जो है यहाँ पर गाड़ी थोड़ी देर रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है खाना पीना जो भी से करना है वो कर ले, तो मैं सिर्फ जा रहा हूँ खाने। मजा आएगा ना भिड़ो।
2000 years later. बहुत टाइम के बाद मैं जो सिंपली अपने शहर में पहुंच गया, ये मेरा दोस्त आया है मुझे लेने। तो भाई क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या बताऊं, इतना दिन के बाद आए हो तो मजा लग रहा है। तो भाई, अच्छा लग रहा है। तो उठाने में इतना देरी क्यों हुआ आपको? काम था। तो भाई काम था तो मैं सिंपली इसको 10 बार कॉल किया, उसके बाद भाई तो क्या करे, सबका काम होता है यार। क्या बकवास कर रहा है तेरी तो। और सिंपली चलते है घर। तो भाई जा रहा हूँ सिंपल घर। वो एक तो कोना